हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग डब्बा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप माई सीक्वल को कैसे कनेक्ट कर सकते हो टैबलू के साथ, सो दैट हम माई सीक्वल पे जो क्वेरी लिखते हैं वो सीक्वल पे टैबलू पे कैसे आप ला के कैसे विजुलाइजेशन आप आगे लेके जा सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जैसे आप टैबलू ओपन करोगे, ये मेरा टैबलू डेस्कटॉप वर्जन है। सो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो वहाँ यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। मे बी आपको ये माई सीक्वल नहीं शो करेगा। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, टू अ सर्वर पे मोर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। माई सीक्वल यही पे, अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप सीधा यहाँ पे सर्च कर लीजिए, आप उस पर सिर्फ क्लिक कीजिए और आपको कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए, ठीक है। करंटली ये मैंने पासवर्ड डाला हुआ था, मैं हटा देता हूँ। ओके, आप क्या करना है, आपको आपको अपने माई सीक्वल वर्क बेंच पे चले जाना है। एंड यहाँ पे इस आइकन पे होम आइकन पर क्लिक करना है एंड आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके एडिट कनेक्शन पे जाना है। ओके, एंड यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है सर्वर पे, ठीक है। सर्वर में आपको यहाँ क्या सिर्फ लोकल हॉस्ट कॉपी करना है, जो आपका होस्ट नेम रहेगा वही आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। पोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वो कंपलसरी ऑप्शन है। तो वो यहाँ पे हम हमारा पोर्ट जो हमने माई सीक्वल में था वही हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। डेटाबेस ऑप्शन है, यहाँ पे करंटली हम सिलेक्ट नहीं करेंगे उसको। यूजर नेम जो आपका यहाँ पे है ये रूट, ओके। एंड पासवर्ड जो आप इसको जैसे आप ओपन करते हो, इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक पासवर्ड पूछता है, ठीक है, वो आपको एंटर करना है। सो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ एंड कुछ नहीं करना है, बस इसको साइनिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे डेटाबेस बता रहे, जो जो डेटाबेस है यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके बता देता हूँ, ठीक है। ये सारे जो भी डेटाबेस है, फॉर एग्जाम्पल SYS और वर्ल्ड करके कोई डेटाबेस है, SYS और वर्ल्ड करके ऑप्शन है, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी लिख के दिखा देता हूँ, एनालिस्ट डेटाबेस, ठीक है। अब बेसिकली आपने यहाँ पे समझ लो, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यूज एनालिस्ट, ठीक है, इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा डेटाबेस रन हो रहा है, यूज हो रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लेट से मैं यूज करता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एनालिस्ट, ऑटो फिल दे दिया एनालिस्ट। ओके, यहाँ पे कोई टेबल नहीं लग रहा है। ओके, सेलेक्ट, सॉरी मैंने गलत कर लिया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एनालिस्ट, ये टेबल लेना, ठीक है। ये मेरा टेबल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं टैबलो पे चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है न्यू कस्टम सीक्वल पे, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, आपने जो कोड कॉपी किया था एंड उसको पेस्ट करना है और ओके करना है, ठीक है। अभी एक एरर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ वो क्यों आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आया। सो यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है कि आपको एंड में सेमी कॉलन यूज नहीं करना है। आप इसको पढ़ सकते हो, बट जैसे मैं ये सेमी कॉलन को हटा देता हूँ, टैबलो पे आपको आपका जो सीक्वल क्वेरी है ए टू जेड आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट एंड में जो सेमी कॉलन रहता है वो यहाँ पे नहीं एंटर करना रहता। सो जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस में ऑप्शन आ गया। मैं ये सब ऑप्शन भी बाद में डिस्कस करूंगा, बट लेट्स गो टू शीट वन, ठीक है। प्राइस, प्रॉफिट, टोटल और यहाँ पे यही थे, ठीक है। ये आ चुका है हमारा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ, लेट्स से मैं प्राइस को लेट्स से प्राइस अभी मैं दिखा देता हूँ, सम कर देता हूँ उसको, कर देता हूँ उसको, यहाँ पे बता रहा है 30। लेट्स सी, 10 + 1 11, 11 + 19 इज 30। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू कैल, मैं यहाँ पे एक ही कॉलम को देना चाहता हूँ, प्राइस वैल्यू, लेट्स टेक मैं ले लेता हूँ 100, ठीक है। मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओके, ये हो चुका है मेरा रन। अब मैं वापस इसको सेलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ। अब यहाँ पे हो गया हमारा 130 होना चाहिए था। ओके, मैं यहाँ से उसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे प्राइस को वापस डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पे तो कर दिया था बट यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश पर क्लिक करता हूँ। सी ये हो गया अपडेट। ठीक है, आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करोगे यहाँ पे सेम चेंजेस यहाँ पे भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो अगर आप इस पर रिफ्रेश पर क्लिक करते हो। सो ये लाइव कनेक्शन हो गया हमारा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको ये बता दिया आप टैबलो को कैसे कनेक्ट कर सकते हो माई सीक्वल से, और माई सीक्वल की क्वेरी आप जो भी लिखते हो वो कैसे यहाँ पे टैबलो पे चढ़ा सकते हो।